चलिए अब हम लोग अप्रैल महीने में जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित आपकी घटनाएं घटी हैं मध्य प्रदेश में, उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से उनसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं आपके लिए, उनके बारे में जान लेते हैं। और अप्रैल 2021 की बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले बात है कोरोना महामारी चली, आपने देखा है किल कोरोना अभियान, किल कोरोना, तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि किससे संबंधित है, किल कोरोना अभियान टू, अभियान टू। और इसमें आप लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश में IITT आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन टेस्टिंग ट्रीटमेंट की रणनीति के तहत COVID-19 के नियंत्रण के लिए 24 अप्रैल से 9 मई 2021 तक प्रदेश के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान कल संचालित किया जा रहा है। और इसका अभियान का उद्देश्य क्या है, अभियान में संभावित संक्रमित व कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को समुदाय से अलग कर संक्रमण की चेन को तोड़ना, जैसे कोरोना संक्रमण पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया जा सके। और आप देखिए कोरोना ने कितना नुकसान पहुंचा है लोगों को। जिला कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित हॉटस्पॉट जहाँ COVID-19 के संक्रमण की दर में वृद्धि हो रही हो, मैं कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए गठित दल द्वारा घर घर जाकर बुखार के लक्षण वाले कोरोना के संभावित रोगियों की खोज की जा रही है और विकास खंड सर्वे दल गठित कर अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दल में NANM, MPW और MWSW आशा कार्यकर्ता अन्य सदस्य शामिल हैं। प्रतिदिन दल द्वारा 100 घरों जिसमें लगभग 500 की जनसंख्या का फीवर सर्वे किया जा रहा है और दल के पास पर्याप्त ट्रिपल लेयर मास्क और पल्स ऑक्सीमीटर थर्मामीटर सैनिटाइजर इत्यादि संसाधन भी हैं। और सर्वेलेंस कार्य के लिए बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ANM और VELHV और आप देखें अधिकारी अन्य विभागों के अधिकारी भी भागीदारी कर रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखना है। अभी मुख्यमंत्री चौहान साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने, आपके जो शिवराज सिंह साहब हैं, इन्होंने 985 गौशालाओं का लोकार्पण किया है, गौशालाओं गौ के लिए रहने के लिए ये। लेकिन आप देखें गौशालाओं में गायों की हालत बहुत ख़राब है, आप लोग जाइए उन्हें भूख से मर रही हैं कई का आप लोग देखिएगा। और 145 का शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है 985 का और 145 का शिलान्यास किया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिंटो हॉल, भोपाल में है मिंटो हॉल, आयोजित राज्य स्तरीय मिशन अर्थ कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण किया गया और 50 करोड़ रुपए से निर्मित होंगी। इसके साथ ही आप देखेंगे 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास भी किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 13 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने 1841 हितग्राही मूलक पशु आश्रयों का लोकार्पण, लगभग 22 करोड़ की लागत से बने जा रहे हैं 2632 पशु आश्रयों का शिलान्यास भी किया गया है। और नरेगा में विभिन्न प्रकार के हितग्राही मूलक पशु आश्रयों, सामुदायिक गौशाला और चारागाह विकास के लिए 384 करोड़ रुपये के 8310 यानी कि 8310 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना में पशुओं के चारे की सतत आपूर्ति के लिए 38 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से प्रदेश में आप देखेंगे 2727 चारागाहों का भी विकास किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। अब आप देखें किसान प्रोड्यूसर कंपनियों का सम्मेलन हुआ है अभी मध्य प्रदेश, क्या किसान प्रोड्यूसर किसान प्रोड्यूसर कंपनियों का सम्मेलन, ये आप देखेंगे का सम्मेलन, इसमें क्या हुआ है, इन सम्मेलनों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 3 अप्रैल को किसान उत्पादक संगठनों और किसी अधोसंरचना निधि के हितग्राहियों के सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। किसान उत्पादक कंपनियों और संगठन के माध्यम से प्रदेश में किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज, कीटनाशक खाद, उपार्जन प्रक्रिया से उचित मूल्य पर फसल खरीद, प्रति क्विंटल निर्धारित बोनस देना आदि कार्य किए जा रहे हैं और जैसे किसानों की हालत सुधारी जा सके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के किसानों की हालत बहुत बुरी है। ग्रामीण विकास विभाग की आजीविका मिशन के 45 किसान उत्पादक कंपनियां गठित हैं जिनका वार्षिक कारोबार 379 करोड़ रुपये है। इनमें आप देखेंगे 39 कृषि फसल आधारित, 4 दुग्ध उत्पादन,
एक लघु वनोपज, एक पॉलिट्री आधारित है। 31 कंपनियां विशेष रूप से महिला किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए गठित की गई हैं। और इसके लाभ की बात करें तो क्रय किए गए अनाज का श्रेणीकरण कर कंपनी बाजार में बेचती है। इस कंपनी का को मुनाफा होता है। कंपनी मुनाफे की राशि से किसानों को कम लागत में अधिक उपज के लिए कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाने के साथ सहयोगात्मक मार्गदर्शन करती है। विदेश की किसान उत्पादक कंपनियों में 1,72,087 किसानों को जोड़कर लाभान्वित किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक आरक्षक हैं श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किए गए हैं। ये आप देखेंगे सुनील श्रीवास्तव, इनका क्या नाम है? सुनील श्रीवास्तव, श्री वास्तव। ये आप देखेंगे कि पुलिस प्रशिक्षक एवं शोध संस्थान PTRI के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री DC सागर ने 12 अप्रैल को आरक्षक श्री सुनील श्रीवास्तव को पुलिस महानिदेशक निदेशक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। और श्री श्री सुनील जो श्रीवास्तव हैं, ने 23 वर्ष के कार्यकाल में 113 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और बीते 15 साल से उत्कृष्ट सेवाएं देने पर इन्हें DGCR से सम्मानित किया गया है। और ADG श्री सागर ने आरक्षक पुलिस श्रीवास्तव को पदक पहनाकर बेहतर सेवाएं देने के लिए हार्दिक बधाई और भावी एक तरह से जीवन की शुभकामनाएं भी दी हैं। अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर कुंवर बेचैन कवि थे, इनकी डेथ हुई है। तो ये पूछ लेता है कई बार कि इनका संबंध किससे था। कुंवर बेचैन, इनकी डेथ हुई है। और आपको बता दूं राष्ट्रीय कवि प्रदीप का सम्मान से सम्मानित हैं हिंदी के वरिष्ठ कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन की 31 अप्रैल को डेथ हो गई है। डॉक्टर बेचैन जी का हिंदी भाषा के साहित्य में के विकास में अतुलनीय योगदान रहा है। इन्हें राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान दिया गया था 2019 में। और इनके कवर डॉक्टर साहब कुंवर बेचैन के जन्म की बात करें तो 1 जुलाई 1942 में इनका जन्म हुआ था। तो ये आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के पहले इनका जन्म हुआ था। और हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर PhD की उपाधि प्राप्त डॉक्टर बेचैन के वास्तविक नाम कुंवर बहादुर सक्सेना था। ये वास्तविक नाम भी पूछ लेता है। तो कुंवर बहादुर सक्सेना 2002 में प्राध्यापक के रूप में सुदीर्घ सेवा के बाद इन्होंने सेवानिवृत्त हो गए थे। डॉक्टर कुंवर बेचैन लगभग 40 वर्षों से भी अधिक समय तक मंचीय सेवा में निरंतर सक्रिय, उत्कृष्ट रचना के साथ साथ नए प्रतिमान स्थापित किए। और देश विदेश में अब तक इनको 100 से अधिक सम्मान और पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो इनका पूरा नाम क्या था आप लोग बताइए, पूरा नाम क्या था? कुंवर बहादुर सक्सेना था इनका। और आप देखेंगे राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 में इन्हें दिया गया था। तो इनके बारे में ये भी याद रखिएगा। ये अप्रैल महीने की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई आपकी। अब चलिए हम लोग, अप्रैल के बाद क्या आता है आपका? मई महीना आता है। मई महीने में कुछ घटनाएं घटी उन्हें भी देख लीजिएगा। क्या मई महीने में जो घटनाएं घटी, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किए गए मध्य प्रदेश के 2 शहर, ये मई 2021 की घटनाएं हैं। ठीक है, करेंट अफेयर्स कह लीजिए आप लोग, जो कहना समसामयिक कह लीजिए। तो इसमें 2 स्थल कौन कौन से शामिल हैं आपके? तो एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ाघाट लम्हेटा घाट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किए गए। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व रिजर्व। और दूसरा कौन सा है इसमें? यह है आप देखेंगे भेड़ाघाट लम्हेटा घाट, ठीक है। और इसे आप देखेंगे संभावित सूची में शामिल किया गया, ये जबलपुर में है। ठीक है, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भेड़ाघाट, लमेटा घाट, इन दोनों स्थलों को विश्व धरोहर की प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अगले चरण में इन स्थलों को नॉमिनेशन डोजियर यूनेस्को द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा। और संभावित स्थलों की सूची में विशिष्ट विशेषताओं वाले स्थानों को भी ही शामिल किया जाता है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, वन विभाग और चाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून का विशेष योगदान है। और याद रहे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने मध्य प्रदेश में संभावित स्थलों की पहचान और उनकी विशेषताओं के आधार पर उत्कृष्ट स्थलों के चयन का कार्य देहरादून स्थित WWII कैटेगरी 2 सेंटर को सौंपा गया था। तो ये भी याद रखिएगा। एक योजना है मध्य प्रदेश की, आपका संबल, आपका संबल और
आपकी सरकार योजना, आपकी सरकार आपकी ही है, किसी और की थोड़ी है योजना। इसमें आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4 मई को जन कल्याण संबल योजना 16,844 असंगठित श्रमिकों को परिवारों के बैंक खातों में 379 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजे गए। कितने? आप देखिए 379 करोड़ रुपए। और कितने आप देखेंगे? 16,000 आप देखेंगे 844 असंगठित जो श्रमिक परिवार है ना उनके में। संबल योजना विदेश के श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ परिवारों को आधार प्रदान करने वाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए की राशि उनके आश्रितों को प्रदान करती है। इस तरह सामान्य मृत्यु या अस्थायी अपंगता पर श्रमिक परिवार को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मुख्यमंत्री जल कल्याण संबल योजना में दी जाती है। योजना में आंशिक स्थायी अपंगता पर 1-1 लाख रुपए उपलब्ध कराने और अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, तो ये आप लोगों को बता दूं जो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिक परिवारों के लिए संबल प्रदान करने का कार्य करती है। योजना प्रारंभ होने से अब तक 2,28,000 करोड़ हितधारियों को 1,907 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। और पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थिति में 72,000 से अधिक हितग्राहियों के बैंक खातों में आप देखेंगे 582 करोड़ रुपये हितलाभ वितरित किए गए थे। फिर आप देखेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, क्या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये योजना इसमें क्या कहा गया? देखिए इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा 7 मई को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत प्रदेश के 75 लाख किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। जो 4,000 की बात की है ना उसी की बात हो रही। मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में किसानों की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया था। और इस निधि योजना के तहत आप देखेंगे किसानों को मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रतिवर्ष 4,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाएंगे, 2-2 हज़ार करके। इन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं। आप सभी जानते हैं 6,000। एक और योजना है मध्य प्रदेश की ही, यह वैद्य आपके द्वार योजना, द्वार योजना। इसमें क्या कहा गया है इस योजना में? इसमें आप देखेंगे कि आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कावरे द्वारा 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैद्य आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही योग से निरोग कार्यक्रम की प्रगति और काढ़ा वितरण की समीक्षा भी की गई थी। और इस योजना में आयुष की 3 विधाओं आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी का लाभ लिया जा सकता है। नागरिक एंड्रॉयड फोन में गूगल प्ले स्टोर से आयुष की ओर ऐप डाउनलोड इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आयुष विभाग ने सामान्य ज्ञान जन को आयुष स्वास्थ्य सेवा सहजता से घर पर ही सुलभ कराने के उद्देश्य से इस योजना में टेलीमेडिसिन ऐप माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। और आयुष की ओर एंड्रॉयड पर आधारित एक ऐप है, यह गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर द्वारा पंजीकरण, साइन अप या ओटीपी के माध्यम से सत्यापित होने के बाद आयुष चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी के अनुसार चिकित्सा तथा समय चुनकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप लोग चुने गए चिकित्सक द्वारा निर्धारित समय अनुसार ही ऐप के माध्यम से वीडियो कॉल कर चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा और परामर्श पत्र प्रेषित किया जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक योजना है मध्य प्रदेश में आपकी, देखेंगे मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोविड उपचार योजना लागू की गई है। इस योजना में आयुष्मान कार्डधारी परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। और लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा योजना की जानकारी क्रियान्वयन के लिए समस्त कलेक्टर्स और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। इस योजना के तहत आयुष पैकेज की दरों में 40% की वृद्धि कर उनका वर्तमान में उपचार के लिए प्राइवेट अस्पतालों की दरों के समकक्ष लाया गया है। और इस विशेष ऑटो जांचों जैसे CT स्कैन, MRI आदि की अधिकतम सीमा जो पूर्व में 5,000 रुपये प्रति
परिवार प्रीति वर्ष थी, इसे संशोधित करके 2021-22 में COVID-19 के उपचार हेतु भर्ती कार्ड धारकों के लिए ₹5,000 प्रति कार्ड धारी कर दिया गया है। और जिला स्वास्थ्य समिति को जिला स्तर पर COVID-19 के इलाज के लिए सार्थक पोर्टल पर पंजीकृत निजी अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना में 3 माह के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर आयुष्मान कार्डधारी परिवारों का निःशुल्क कोविड उपचार कराया जा सकेगा। जिले के समस्त ऐसे निजी अस्पतालों जो मेडिसिन विशेषज्ञता रखते हुए कोविड उपचार कर रहे हैं, उन्हें सार्थक पोर्टल पर पंजीकृत होना होगा। और पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य का आयुष्मान कार्ड मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना में पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। COVID-19 के निःशुल्क उपचार के लिए विशेष अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जा सकेगा। आयुष्मान पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को पृथक कार्ड मिल सकेंगे और उनका निःशुल्क कोविड उपचार किया जा सकेगा। और कोई भी आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखने वाले परिवार के पास यदि आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उसे कोविड होने के कारण उपचार की आवश्यकता है तो भी इनका निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। कार्ड के बिना अगर उपचार की बात करें तो यदि आयुष्मान कार्ड धारक के परिवार का कोई सदस्य जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है तो वह कोविड पॉजिटिव होकर उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचता है तो वह 3 तरह से अस्पताल में प्रवेश पा सकेगा। परिवार के किसी सदस्य का आयुष्मान कार्ड का एवं खाद्यान्न की पर्ची जिसके माध्यम से यह पता चल सके कि वह आयुष्मान कार्ड धारक के परिवार का सदस्य है। आयुष्मान कार्ड धारक परिवार के सदस्य एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड उसके साथ समग्र आईडी का प्रस्तुतिकरण जिसके माध्यम से यह पता चल सके कि वह आयुष्मान कार्ड धारक का परिवार का सदस्य है। परिवार के सदस्य एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड और साथ ही में किसी शासकीय विभाग के राजपत्रित अधिकारी का इस बाबत प्रमाणीकरण कि वह आयुष्मान कार्ड धारक के परिवार का सदस्य है। शासकीय अधिकारी इसे समग्र पोर्टल के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं वह आयुष्मान कार्ड धारक की समग्र आईडी परिवार का सदस्य है। और कार्डधारियों के एडमिशन उपचार के लिए नोडल अधिकारी की बात करें तो योजना में आयुष्मान संबंध कोविड अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारियों का एडमिशन उपचार बिना किसी बाधा के सुगमतापूर्वक हो सके यह सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके लिए जिले में अब अपर कलेक्टर से निम्न स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी कोविड उपचार हेतु अधिकृत प्रत्येक आयुष्मान संबद्ध अस्पताल के लिए शासकीय अधिकारी को प्रभावी अधिकारी बनाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड योजना के कोविड उपचार के लिए चिन्हित आयुष्मान अस्पतालों में सुगमता और पूर्वक प्रवेश एवं उपचार हेतु यह नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी निरंतर कार्य करेंगे और फोन पर उपलब्ध रहेंगे। कोई भी आयुष्मान कार्डधारी प्रवेश में सहायता हेतु अथवा किसी प्रकार की दिक्कत आने पर नोडल या प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकता है और इस हेतु DCCC के दूरभाष अथवा जिले के अन्य कंट्रोल रूम का नंबर व्यापक रूप से प्रसारित किए जाएंगे। शिकायत के लिए विशेष सेल की व्यवस्था की गई थी। आप देखेंगे आयुष्मान कार्डधारियों की कोविड उपचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त करने पर कार्रवाई करते हुए जांच के लिए विशेष सेल बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए ताकि किसी भी दशा में कोई भी आयुष्मान कार्डधारी सुगमतापूर्वक प्रवेश व कोविड उपचार में वंचित ना रहे। और मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को पूर्णता संवेदनशीलता के साथ निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के घटक, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के घटक देख लीजिए। प्रथम घटक, इसमें आप देखेंगे प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा संचालित अस्पताल, समस्त जिला चिकित्सालय, समस्त सिविल अस्पताल एवं कोविड उपचार करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदेश सरकार द्वारा समस्त कोविड मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। और इस हेतु आप देखेंगे शासकीय अस्पतालों में 395 ICU HDU बेड, 13,334 ऑक्सीजन युक्त बेड, 20,601 आइसोलेशन बेड उपलब्ध कराए गए और इसमें निरंतर वृद्धि करने का प्रयास भी चल रहा है। और प्रदेश में कुल जिलों में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा संचालित अस्पतालों में आवश्यक संख्या में आइसोलेशन एवं ICU एड HDU बेड अनुबंधित किए गए हैं और वर्तमान में 3,675 विभिन्न श्रेणी के बेड्स उपलब्ध हैं। और समस्त अनुबंधित बेड पर भर्ती होने वाले प्रदेश के कोविड मरीजों का पूर्णतः निःशुल्क उपचार करने का कराया जा रहा है। और तृतीय घटक में आप देखेंगे प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के निःशुल्क उपचार हेतु आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और इस कार्ड के माध्यम से यह कार्डधारी आयुष्मान समग्र अस्पताल में निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। राज्य शासन ने समग्र अस्पताल में 20% बेड्स आयुष्मान ग्राहियों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं, तो ये भी रहे। अब देखेंगे मध्य प्रदेश इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस में दूसरे स्थान पर आए, कौन सा MP दूसरे स्थान पर आए, ठीक है। और आप लोग क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पर हैं। 7 मई को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और अखिल भारतीय इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस एक
ऐप प्रोजेक्ट के 6 पायलट राज्य में मध्य प्रदेश पुलिस का प्रदर्शन सराहनीय रहा है और प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रियल टाइम डेटाबेस एंट्री के लिए इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस ऐप प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले प्रारंभ किया गया, जिसमें आप देखें 11 लाइट हाउस जिलों को जोड़ा गया है। और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप योजना लागू की है। हाईवे के किस स्पॉट पर कितने हादसे हुए, कितनी मौतें हुई हैं, कितने घायल हुए, हादसे की वजह क्या रही है, इन सभी तथ्यों की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। और इस ऐप के जरिए सड़क दुर्घटनाओं के डेटाबेस के विश्लेषण के भविष्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति बनाने और क्रियान्वित करने में सहयोग मिला है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस ऐप को शुरुआत में 6 पायलट राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था और मध्य प्रदेश में 47 जिलों में IRAD ऐप की यह सील है, जिसमें जिला सागर जबलपुर और का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। सागर और जबलपुर का और जिला सागर और जबलपुर का सड़क दुर्घटनाओं का डाटा एंट्री क्रमशः 816 और 801 रहा है। और IRAD ऐप के क्रियान्वयन में पुलिस विभाग NIC के पदाधिकारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। योजना के तहत दुर्घटना स्थल पुलिस मोबाइल ऐप पर वितरण दर्ज करती है विवरण और घटना के कारण प्रभावित व्यक्ति का नाम, उम्र, पता, लाइसेंस संख्या, स्थान दुर्घटना का संभावित कारण, गति, फोटो, वीडियो आदि अपलोड किया जा सकता है। और डाटा फीड होने के बाद संबंधित जानकारी स्वतः परिवहन PWD राष्ट्रीय राजमार्ग और नजदीक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच जाती है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति तक मदद पहुंचाना आसान होता है। साथ ही दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु के कारण की जांच कर उनमें कमी लाने का प्रयास भी किया जाना संभव होता है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रणाली में राज्य का अंशदान बढ़कर कितना हो गया है, मध्य प्रदेश का 14% बढ़ गया है। कितना? 14%। मध्य प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में अपना योगदान 4% बढ़ा दिया है। राज्य ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में शासकीय अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया। 28 मई से राज्य वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी किए थे और 2005 के बाद भर्ती अधिकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू। इसके तहत जितना अंशदान कर्मचारी जमा करते हैं उतनी ही राशि राज्य और केंद्र सरकार भी मिलाती है। और केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2019 से अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया गया और 11 मई को हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। अब राज्य सरकार का अंशदान 14% हो जाएगा, इससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली पेंशन बढ़ जाएगी। फिर आप देखेंगे बेहद वृक्षारोपण अंकुर कार्यक्रम, क्या ये आप देखेंगे बेहद वृक्षारोपण, इसमें अपना भी योगदान, वृक्षारोपण अपना योगदान दिया करिएगा। अंकुर कार्यक्रम ये क्या है, ये आप देखेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए जैन सहभागिता के माध्यम से बेहद वृक्षारोपण अंकुर कार्यक्रम इस मानसून में प्रारंभ किया जा रहा है और इसमें विजेताओं को प्राण वायु अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत जन सहभागिता द्वारा बेहद वृक्षारोपण अभियान में पंजीयन वायुदूत ऐप के माध्यम से किया जाएगा। वायुदूत ऐप, इसे भी याद रखें। और एक सप्ताह के भीतर 6,770 लोगों ने इस ऐप में अपना पंजीकरण कराया है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे 1216 से अधिक लोगों ने अपने पौधों का चित्र भी वायुदूत ऐप के माध्यम से अपलोड किया है। अंकुर कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के को अधिक हरा भरा और समृद्ध बनाना है। अंकुर कार्यक्रम में जन सहभागिता द्वारा बेहद वृक्षारोपण अभियान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चयनित विजेताओं को प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसके तहत आप देखें विजेताओं को वृक्ष और वीरों वृक्ष वीरांगनाओं के रूप में जाना जाएगा। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश पर्यटन का ट्रैवल शो द जिप्सी, क्या द जिप्सी ये क्या है, इसमें में देखेंगे आप लोग कि मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के पहले 4K इंटरनेशनल ट्रेवल चैनल ट्रेवल एक्सपी ने मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आधारित एक ट्रेवल शो द जिप्सी का निर्माण किया है और 28 मई से आप देखेंगे 19 जून 2021 तक लाइव होगा। और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के अनुसार ट्रेवल एक्सपी के सहयोग से प्रदेश को विश्व के यात्रा प्रेमियों तक पहुँचाने में मदद मिलेगा। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इस ट्रेवल शो को बनाने में एसोसिएट पार्टनर की भूमिका निभाई है। कार्यक्रम को ट्रेवल एक्सपी इंडिया फीड, ट्रेवल एक्सपी तमिल, ट्रेवल एक्सपी यूरोप, ट्रेवल एक्सपी 4K USA, ट्रेवल एक्सपी जर्मन UK राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।
और ट्रेवल एक्सपी के साथ साझेदारी एमपी टूरिज्म के मध्य प्रदेश के टूरिज्म को प्रचार करने की रणनीति के लिए एक अहम कदम है, जो मध्य प्रदेश टूरिज्म को नीदरलैंड, बुल्गारिया, दुबई, यूके, आयरलैंड और भारत सहित 40 देश से अधिक देशों के 12 करोड़ से अधिक पर्यटन प्रेमियों को आकर्षित करेगा। और ट्रेवल एक्सपी चैनल पर ऐसो सब्सक्रिप्शन लेने वाले दर्शकों के लिए प्री रिलीज भी किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की प्राचीन है ये, आप देखें पैरा ओलंपिक में कोटा हासिल किया है, एक खिलाड़ी है मध्य प्रदेश की प्राची। एक ग्वालियर निवासी प्राची यादव का चयन अंतर्राष्ट्रीय कैनो संघ द्वारा टोक्यो पैरालंपिक के लिए किया गया, मध्य प्रदेश की इस खिलाड़ी को यह कोटा। ये आप देखें VL 200 मीटर महिला कैटेगरी में मिला है। यह पहली बार है कि जब काया किंग केनोइंग में मध्य प्रदेश किसी खिलाड़ी को ओलंपिक में क्वालिफाई किया गया है। और 22 वर्षों की इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी पिछले चार सालों से मध्य प्रदेश काया किंग और केनोइंग संघ द्वारा संचालित अभ्यास में सत्र में कोच मयंक ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। यह कोटा प्राची यादव को 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के आधार पर प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश के पत्रकार थे श्री प्रभु जोशी। आप देखेंगे कि इंदौर के प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और पत्रकार श्री प्रभु जोशी का 4 मई को डेथ हो गई है। और प्रभु जोशी के व्यक्तित्व में एक चित्रकार, कहानीकार, संपादक आकाशवाणी और अधिकारी टेली फिल्म निर्माता थे। और प्रभु जोशी को भारत भवन का चित्रकला, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का कथा कहानी के लिए अखिल भारतीय सम्मान भी प्राप्त किया जा चुका है। उन्हें मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा गजानन माधव मुक्ति बोर्ड फेलोशिप भी प्रदान की जा चुकी है। प्रभु जोशी को US की गैलरी फॉर कैलिफोर्निया के जल रंग के लिए थॉमस मोरान अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, इनका डेथ हुई है। ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का कोरोना के चलते 31 मई 2021 को 60 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। और अगर इनकी उपलब्धियां देखें तो पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा पहली बार साल 1993 में 10वीं विधानसभा के लिए चुनाव में विधायक चुने गए थे। इसी कालकाल में उन्हें उत्कृष्ट विधायक के लिए पुरस्कार भी दिया गया था। और विधायक बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव होता है। 18 साल की अगर आपकी उम्र हो चुकी होगी तो आप लोग विधानसभा सदस्य के लिए चुनाव करते होंगे। इसके बाद 1998, 2003, 2008 में सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक चुने गए। वह लगातार 4 बार विजयी शर्मा उमा भारती के कार्यकाल में राज्यमंत्री भी बनाए गए। इस दौरान उन्होंने खनिज और जनसंपर्क विभाग भी संभाला। और आप सभी जानते हैं उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। उन्हें बाबूलाल गौर की सरकार के तहत खनिज और संस्कृति मंत्री भी नियुक्त किया गया था। लक्ष्मीकांत शर्मा ने प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के तहत उच्च शिक्षा मंत्री का पद भी संभाला था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। तो इस तरह से मई महीने की आपकी जो भी घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में, उनके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग।